अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ आवर चैनल डिलीशियस मॉम किचन और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मछली का सालन। ये मछली है, लगभग पाव किलो है, रावस की मछली है ये। और सालन के लिए हमको चाहिए टमाटो, ये दो बड़े बड़े टमाटो है। इसको मैंने बड़ा इसलिए काटी हूँ क्योंकि ये मुझे अभी पीसना है इसको। और ये एक लहसुन है, कुछ धनिया है, थोड़ी सी धनिया पाउडर है, चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है, और ये कड़ी पत्ता है, और सूखा हुआ आम के दो पीस है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ, इसका एकदम पेस्ट बना लेती हूँ पीसकर। अब यहाँ पे मैंने देगची को रख दिया है गरम होने के लिए, और इसमें डालूँगी ऑयल लगभग दो खाने के चम्मच। मैंने डाला है दो खाने के चम्मच ऑयल। अब ये हल्का गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी मसाला। ये हो गया तेल गरम, और इसमें डाला मैंने ये सब टमाटो और मसाले पीस लिए थे मैंने। मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने आप मसाले जब आपको बताए तो उसकी क्वांटिटी नहीं बताई। तो मैंने लिया है चिली पाउडर 2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया, और ये रहा नमक हाफ टी स्पून, और इसमें मैं अभी हल्दी डालूंगी 1/4 टी स्पून। ये करी पत्ता जाएगा इसके अंदर, और थोड़ा सा मसाला पकने के बाद मैं वो आम डालूंगी इसमें। तो इसको हम थोड़ी देर पकने देते हैं, अभी मछली नहीं डालेंगे हम इसमें। ये 1/4 टी स्पून हल्दी जा रही है अंदर। ये देखिए, अब इस तरह से ये सालन मेरा पक रहा है। ये इस तरह अब मसाला मेरा पक कर रेडी हो गया है। इसको मैंने 10-15 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाते रखा था। अब कच्चे मसाले की जो खुशबू है ना, वो सब चली गई है। अब इसमें मैं डालूँगी फ़िश। और ये डालूंगी सूखी खटाई। अभी इसको 5 मिनट पर मीडियम आंच पर पकने दूंगी मैं सालन को। उसके बाद 5 मिनट धीमी आंच पर रखूंगी। मछली को हमको ज़्यादा पकाना नहीं, और मछली डालने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है।